वही जगह यदि कंपनी लगते तो प्रोजेक्ट लगे के पहले जन सुनई होते। एक तो जन सुनई कता पता नहीं है, हमारा तो अभी तक मालूम नहीं है एक जन सुनई हुई से कि नहीं। नार क्षेत्र में जो लगी से वो पावर प्लांट उसमें तो हम धोखा खाए हैं। हम तो एक जमीन नहीं दन जिये 2013 में जो बिल बनी से भू अर्जन अधिनियम उसमें तो स्पष्ट कहना है यदि 5 साल के अंदर उद्योग नहीं लगता है तो जमीन तो किसान की है। विकास के लिए कंपनियों को, खदानों को और कॉरपोरेट जगत को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन देशवासियों के लिए कई तरह के अच्छे कानून भी बनाए गए हैं जिससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। परंतु कॉरपोरेट घराने अपने फायदा को देखते हुए इन नियम कानूनों का उल्लंघन लगातार करते हुए आ रहे हैं, जिसका समर्थन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग भी करते हैं। हमारा जमीन सन 2012-13 में शासन के द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड के विस्तार के लिए अधिग्रहण किया गया था और इसका अवार्ड 2015 में पारित हुआ, लेकिन समय पर हमारा मुआवजा शासन ने नहीं दिया और साथ ही 7 साल तक हमारे ही कब्जे में वह अधिग्रहित जमीन रहा है, जो कि कलेक्टर साहब स्वयं लिख के दिए हैं जिला रायगढ़ के। और इसके आधार पर अब जो अधिग्रहण अधिनियम 2013-24/2 कहता है कि 5 साल तक यदि जमीन का मुआवजा न मिले और उसका कब्जा भी न ले जो अधिग्रहित जमीन है, तो वह किसानों के हक में वापस आ जाता है। इसकी जानकारी हम बार बार कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय, SDM महोदय, सभी जो प्रशासनिक अधिकारी उनको दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, हम लोग को जमीन चाहिए, इसमें हम लोग का पूरा परिवार पलता है खेती किसानी में। कौन ले गया आपका जमीन? जिंदल वाले, कंपनी वाले लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। यह 350 एकड़ कम लिए और 350 एकड़ में कम से कम 5,000 आदमी पलत रही, और प्लांट लगी तो 5,000 आदमी पल ही का जो नारी खा है। ये जमीन के वापसी खातिर पर यह पहली भू अर्जन हो गए है 2007 में। वो खाने भी तत्कालिक समय में हमने ला पूरा विरोध कर रहे हैं, ना ग्राम सभा हुई से ना कोई किसान की सहमति हुई से। अब एक तरफा यह भू अर्जन हो गए है और बताते हैं कि पैसा ला जमा कर दे है, अब पता नहीं कहाँ जमा है, कैसे है, का है, मतलब मालूम नहीं है। इस प्रकार से हमारे तमनार है अबकी खातिर बार पूरा दिवालिया हो जाते है। पैसा क्षेत्र है, धारा 5 लागू है, जाकर तहत एमन ला बिना ग्राम सभा के अनुमति के यहाँ घुसे का अधिकार नहीं है। एमन बिना ग्राम सभा के यहाँ चले आते हैं, मतलब पूछता हमन हमको ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये उद्योगपति जिंदल उतने बड़े आदमी होगी इसकी अला संविधान के मने हिसाब से नहीं चले, वो अपने हिसाब से चलते, अपन संविधान थोपना चाहते का देश में। महामहिम छत्तीसगढ़ राज्यपाल हैं, उनके नाम से तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। किसानों की जमीन वापस नहीं दी जाती है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, और जिस तरीके से भी लगातार जिंदल के द्वारा उस जमीन पर अभी कब्जा किया जा रहा है, और किसान जब मना करने के लिए जा रहे हैं कि हमारी जमीन पर काबिज ना करो, तो पुलिस प्रशासन को ले जा करके इनको धमका करके जेल में डालने की बात कह के डरा धमका करके उनको वहां से भगा दिया जा रहा है। यही स्थिति रहा तो किसानों को लेकर बहुत जल्द हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। जब ग्रामीणों की बातों को अनदेखा करते हुए, उनके हितों को न देखते हुए लगातार शासन प्रशासन द्वारा इस मुद्दे पर कार्य करते हुए कंपनी का सपोर्ट किया गया, तो ग्रामीणों द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक दिवस चक्का जाम किया। अपनी कुछ मांगों को लेकर के ये जो समस्याएं हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनको लेकर के ये बैठे हुए थे, इनको समझाया गया है कि कुछ स्पेसिफिक मांगे जो जनरलाइज मांगों को लेकर के बैठे हुए थे, स्पेसिफिक कुछ मांगे हैं उनको बताएं, और यदि कुछ समस्या है वैसा कि आप आवेदन देंगे तो उसमें विधिवत कार्यवाही की जाएगी, इनको समझ कर सहमति बनी। विषय की गंभीरता को देखते हुए तमनार के तहसीलदार महोदया द्वारा आकर ग्रामीणों के साथ समझाइश की और आश्वस्त किया कि जो लीगल मांगे हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जो उनके क्षमता से ऊपर की मांगे हैं उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर इस विषय पर कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।